और उसामा भाई मैंने बात सुनी है जब आप रेवो लेते हैं ना तो आप किसी से रास्ता लेने के लिए हॉर्न नहीं देना पड़ता और खुद ही मॉडल कौन सा और ये वेरिएंट कौन सा है? डीजल इंजन में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बिल्कुल ठीक है सर। इंजन कौन सा आता है गाड़ी में? इंजन 2.8 है इसका, 2.8 डीजल, डीजल 2.8 डीजल, बिल्कुल। इंटीरियर वाइज में देखा जाए तो जैसे उठा होता है फ्रंट से ना, कार लुक्स रियली अग्रेसिव, ठीक है। और गाड़ी के सस्पेंशन का रिस्पॉन्स वैसे आपके हिसाब से कैसा है? जिस तरह रोदाटी वाली खड्डों वाली रोड है तो तन करती है या बेहतरीन ना? वैसे गाड़ी बनी खड्डों वाले रोड्स के लिए आपको मसला नहीं होता? जंप स्लो भी करती पड़ती है, वैसे भी रोड्स बन रहे हैं तो जिस तरह बैठे हुए ना, हाइट भी काफी है गाड़ी की। और उसामा भाई मैंने बात सुनी है जब आप रेवो लेते हैं ना तो आप किसी से रास्ता लेने के लिए हॉर्न नहीं देना पड़ता और खुद ही बदनाम करती है जो गाड़ी को ना, वो ये है ना भाई, फ्रंट पैसेंजर जैसे आप और मैं बैठे हैं, हम तो बहुत सुकून में बैठे हैं। जो पीछे वाले बंदे हैं ना, वो उनकी कमर सीधी हो जाए फिर वो सीधी ही रहती है। पीछे तो ये है कि आप जो है ना, एक तरह से आपकी कमर टूट जाती है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ना। बिल्कुल, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग पीछे सीट्स पे बैठ जाएं, अगर हम लोग तीन चार लोग है ना, मजा करने के लिए भी और वैसे भी। अच्छा, वरना पीछे वाली जो सीट्स है ना वो बहुत ज्यादा तंग करती है। अच्छा, हमारे पीछे बंदे बैठे हैं यार, कमर सीधी हुई है तो टेढ़ी हो जाएगी दोबारा या नहीं होगी? अच्छा, ज्यादा ही मूर्तियां बन के बैठे हुए बेचारे। अच्छा, गाड़ी लेफ्ट पे से बात करते हैं तो फ्रंट से लेफ्ट पे गाड़ी में सही है, ठीक है, लंबे बंदे के लिए काफी है और ड्राइवर भट्टी साहब भी बहुत काफी लंबे हैं, अच्छी खासी है। पीछे लेफ्ट पे कैसी है? ऑटोमेटिक सारा वो है जो है ना, आप आगे भी करो, ऊपर भी करो, नीचे भी करो। इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं गाड़ी में, इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, व्हिच इज अ वेरी प्लस पॉइंट। और बाकी गाड़ी के इंटीरियर के सेलिएंट फीचर्स की बात की जाए तो वी हैव दिस ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, इसमें ब्लैक आता है, मैट ब्लैक आता है आपके पास, साथ में पियानो ब्लैक यहाँ पे फिनिश है और एक क्रोम की डार्निश आती है आपके अंदर, ठीक है। गाड़ी में स्टार्ट इंफोटेनमेंट मौजूद है, साथ में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपके अंदर आ जाता है, जिसमें जो ड्यूअल जोन नहीं है, बट सैडली इट्स नॉट ड्यूअल जोन, बट फिर भी देयर इज अ मॉडल ऑफ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। साथ में गाड़ी के अंदर आपके पास स्टे 4x4 के कंट्रोल्स हैं, जिससे गाड़ी का 4x4 एडजस्ट होता है। गाड़ी में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है, डाउनहिल कंट्रोल की ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन है, ठीक है। साथ में गाड़ी के अंदर आपको इसका डिफ लॉक के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। दिस कार इज इक्विप्ड विद अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन सैडली देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक गाड़ी में मैनुअल ही आती है। हम जो है ना, आपकी ऑडियंस को है जो ना, रात को मिराज के साथ बहुत बैड ट्रिप हुआ है लेकिन उसका हम आपको फेवरेट गाना सुनाने चाहेंगे, इसके साउंड सिस्टम चेक करवाने के। गाड़ी साउंड सिस्टम चेक करते हैं, गाड़ी साउंड सिस्टम चेक करते हैं कि साउंड का भाई किस तरह है, इसका रिस्पांस कैसा है। मिराज का फेवरेट गाना जो है साउंड सिस्टम बहुत हैवी है यार। एक मिनट, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे क्या? आ जाता है। अच्छा, जिस तरह ये रोड है अभी, इस तरह बन रही है अभी, तो इन पे देखते हैं सस्पेंशन रिस्पॉन्स है ना, अब हम आगे बैठे हैं ना, बहुत स्मूथ है अभी, आप जंप तकरीबन कर लेंगे, फील भी नहीं होता गाड़ी में, लेकिन पीछे वालों की हालत में समझ सकते हो। कोई बात नहीं यार, होता रहता है, खैर है, ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, कंफर्टेबल है, सही है।
अच्छा यार दैट्स इंप्रेसिव वैसे रेवो के बारे में ना आपको वीडियो में बताने के लिए वरना ऐसा नहीं है जब बड़े बैठते हैं ना साथ तो हमें पीछे बैठना पड़ता है तो फिर लग समझ जाते हैं आधे घंटे 45 मिनट की ड्राइव कुछ नहीं कहती अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाओ बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी बंदी रह जाती है फिर इसमें ये पांच बंदे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इसका जो है ना चार बंदे हो तो फिर भी बंदा थोड़ा सा इधर उधर रहता है बिल्कुल ऐसी बात है ऐसे पांच बंदे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आज तो हम डैडी के स्टीयरिंग कंट्रोल सी बात कीजिए तो बड़ी सब स्टीयरिंग के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन है स्टीयरिंग पे इसके म्यूजिक का एक तो आपके ऑडियो कंट्रोल है कॉल का है अच्छा गाड़ी में क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन आती है क्रूज है क्रूज हैंडल में है अच्छा क्रूज कंट्रोल ऑप्शन है सही से और बेटी साहब आपकी एवरेज क्या दे रहा है वो आपका एवरेज ये दे रहा है सिटी में देगा 10 अच्छा लॉन्ग पे 12-13 के साथ जबरदस्त है यार मेरी अल्टिस नहीं एवरेज देती है मुझे भी टिप्स दे भाई पांव हल्का होना चाहिए ना चलाने सही बात है मेरी एवरेज इतनी एवरेज 10 की एवरेज है शहर में यार मैनुअल है भाई के पास तो वो जो है ना शहर के अंदर 13 दे जाते हैं उसकी हमने टैंकी फुल कराई थी टैंक फुल कराया था उसका तो वो 750 किलोमीटर की जनरल रेंज दे रहा था रेवो हाँ वो मैनुअल वाला जो है मैनुअल वाला जो है अच्छा वो हम 4-5 दिन मैं जब छुट्टी पे गया था लाहौर का तो हम घुमाते रहे लेकिन हमसे वो टैंक नहीं खत्म हुआ सिर्फ मतलब अभी भी जब मैं वापस आया तो एक पॉइंट पड़ा हुआ था उसका क्या बात है यार इंप्रेसिव इंप्रेसिव रियली इंप्रेसिव बाइक गाड़ी में स्टोरेज स्पेस तो काफी है ऐसे अगर आपको लगता है जब बाहर देखते हैं लगता है ये चीज खुल नहीं सकती बट ये चीज ओपन हो सकती है जस्ट प्रेस दिस बटन एंड इट्स ओपन और नीचे फिर डैशबोर्ड तो फिर स्टैंडर्ड ही आता है और गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो अभी जितना टेम्परेचर जितनी बार गर्मी हो रही है ना यू कैन सी या जितनी धूप निकली हुई है एंड एसी इज लिटरली चिलिंग मैंने पहले एसी फुल था मैंने स्लो किया क्योंकि एक तो व्लॉग में शोर आ रहा था दूसरा जहाँ से मैंने हाथ रखा हुआ है ना इस तरह मैंने हाथ रखा हुआ था और मेरा हाथ लिटरली फ्रीज हो गया इससे मैंने एसी थोड़ा स्लो किया सो इतनी गर्मी में भी एसी परफॉर्मेंस इज इंप्रेसिव तो बस जस्ट दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज रिव्यू आई होप यू लाइक द रिव्यू रिव्यू पसंद आया तो मस्ट सब्सक्राइब कर देना मिलेंगे अगले रिव्यू में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड भट्टी साहब थैंक यू सो मच सर माय प्लेजर सर सब्सक्राइब